अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रफ़ाकत अब्बास गोंदल। उम्मीद है कि आपने इससे पहले जितने लेक्चर्स देखे हैं उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, और कुछ नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के हवाले से आज का लेक्चर है। उसकी कुछ टाइप्स तो अपलोडेड हैं लेकिन कुछ मिसिंग हैं, जिसमें इम्पैरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, यूनिवर्सल ट्रूथ और मिसलिनियस हैं। इंशाल्लाह जल्दी मैं उनको भी पोस्ट कर दूंगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और ये हर किस्म के पेपर्स में आता है। अभी रिसेंटली मैं पेपर देख रहा था, कल परसों हुआ है, लेबर ऑफिसर का, PPSC का, तो उसमें भी एक सेंटेंस दिया गया था कि उसको आइडेंटिफाई करें कि उसकी इनडायरेक्ट नरेशन सही कौन सी है। इट मींस कि कोई भी आपके पेपर होते हैं, चाहे CSS के हों, PMS के हों या डिपार्टमेंटल टेस्ट हों, तो ये चीज़ें उसका पार्ट एंड पार्सल होती हैं। छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा सा आपका टाइम मांगती हैं और उसके बाद ये एक एक नंबर करके आपके मैक्सिमम नंबर सिक्योर हो सकते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी एक अच्छी ग्रिप हो सकती है। हमारे एक स्टूडेंट की तरफ से भी मैसेज था कि इम्पैरेटिव और एक्सक्लेमेटरी करवा दें, तो ये भी उसी के लिए मैं करवा रहा हूँ। इंशाल्लाह बाकी जो पेंडिंग है वो भी जल्द हो जाएंगे जी। तो आज का हमारा टॉपिक है जी इम्पैरेटिव टाइप ऑफ नरेशन। गौर से देखिएगा कि इम्पैरेटिव टाइप ऑफ नरेशन कौन सी होती है। तो इम्पैरेटिव टाइप ऑफ नरेशन में 4 काइंड्स हैं, ज़रा चेक कीजिएगा। फर्स्ट वाली ये है कि जब आपका सब्जेक्ट आपके ऑब्जेक्ट से सोशल स्टेटस में बड़ा होता है तो वो सेंटेंस आपका होता है ऑर्डर वाला। दूसरी आपकी टाइप है कि जब आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सोशल स्टेटस में बराबर होता है तो वो होता है एडवाइस, नसीहत करना। तीसरी टाइप है कि जब सेंटेंस में प्लीज लिखा होता है तो वो सेंटेंस आपका होता है रिक्वेस्ट वाला। और फोर्थ, जब सेंटेंस में डोंट लिखा होता है तो वो सेंटेंस होता है फॉरबिड, यानी मना करने वाला। इससे पहले 9th क्लास में तो सिर्फ यही हमने सीखा था ना कि जो आपका इम्पेरेटिव होता है उसमें दो ही होते हैं, किसी काम का हुक्म दिया जाए या किसी काम से मना किया जाए। लेकिन जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में आते हैं तो हमारे पास 4 टाइप्स डेवलप हो जाती हैं। कौन कौन सी? हुक्म देना, एडवाइस करना, मना करना और रिक्वेस्ट करना। तो 4 टाइप्स हमारे पास इसकी आ जाती हैं। अब डिटेल में जरा इसको चेक करते हैं कि क्या रूल्स हैं, किन रूल्स के हवाले से हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन को अटेम्प्ट करना होता है। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन है। यहां पर आ जाइए, हमारे पास 4 सेंटेंसेस हैं, हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको हमने आइडेंटिफाई करना है कि वो नरेशन की कौन सी टाइप से बिलोंग करता है। तो यहां पर इसको देखिए कि ये पॉलिश माय शूज वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। याद रहे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वो सेंटेंस आपका इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव के अलावा कोई भी सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट नहीं होता। अब ये तो आपको पता चल गया कि इंपेरेटिव है। अब इंपेरेटिव की 4 टाइप्स आपने पढ़ ली हैं। अब ये देखना कि ये कौन सा है। देखें जरा, सब्जेक्ट आपका ही सेड टू हिज सर्वेंट। अब देख लें, वो अपने सर्वेंट को कह रहा है कि मेरे शूज पॉलिश करो। क्या लगता है आपको? ऑर्डर है ना। देखिए कि आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से सोशल स्टेटस में बड़ा है तो ये आपका सेंटेंस ऑर्डर वाला है। फर्स्ट वाला इंपेरेटिव है और ऑर्डर वाला है। सेकेंड वाला देखें, इसको आइडेंटिफाई करते हैं। गेट अप एंड गो फॉर अ वॉक। गेट अप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, इंपेरेटिव। कौन कह रहा है? वो अपने बेटे को कह रहा है कि भाई सुबह उठो और उठ के वॉक पे जाओ। क्या लगता है? एडवाइस। एक चीज मैं यहां पर बता दूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड एडवाइस। ऑर्डर होता है किसी को अपना काम करने के लिए कहना। फादर अपने बेटे को कहता है पॉलिश माय शूज, ऑर्डर है। फादर बेटे को कहता है वॉश माय कार, ऑर्डर है। फादर बेटे को कहता है आयरन माय क्लॉथ्स, ऑर्डर है। लेकिन फादर बेटे को कहता है गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो फॉर वॉक, इसमें बेटे का फायदा है, बेटे का काम है, फादर का नहीं है, नसीहत है। फादर बेटे को कहता है टेल द ट्रूथ, नसीहत है। फादर बेटे को कहता है रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये भी नसीहत है, एडवाइस। ठीक है, सेकंड वाला आपका एडवाइस है। थर्ड, शी सेड टू हर सिस्टर प्लीज लिसन टू मी। आपने जब इसको आइडेंटिफाई किया आपको वर्ड मिला प्लीज। प्लीज इस टाइप के अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में कहीं पे भी यूज नहीं होता। इसका मतलब कि ये आपका रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है। इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, नो मैटर एट ऑल, प्लीज लिखा हुआ है तो वो रिक्वेस्ट ही होगा। लास्ट, आपके सेंटेंस में लिखा हुआ है डोंट। फादर अपने बेटे को कह रहे हैं डोंट। फॉरबिड, मना करना। डोंट आपका इंट्रोगेटिव में भी होता है, डोंट यू नो मी, लेकिन उसके एंड पे क्वेश्चन मार्क होता है, इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ये आपका इंपेरेटिव है। और फॉरबिड, मना करना। तो ये आपकी 4 सेंटेंसेस की आइडेंटिफिकेशन होगी। अब उसके बाद है चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। जो ऑर्डर वाला होगा उसमें रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर आएगा, एडवाइस वाले में एडवाइस, प्लीज वाले में रिक्वेस्ट और फॉरबिड वाले में फॉरबिड। क्योंकि वो पास्ट में होते हैं तो उसकी सेकंड फॉर्म यूज करते हैं हम फॉरबिड। ठीक जी, तो ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज हो गया। इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके हम टू लगाते हैं, और जब टू लगाते हैं तो उसके बाद जो टेंस का चेंज है वो होता नहीं, प्रोनाउन का एज पर।
रूल होता है, और स्पेशल वर्ड अगर कोई आ जाए तो उसको हम चेंज करते हैं। अब जरा इसको हम अटेम्प्ट करते हैं। सब्जेक्ट आपको पता है कभी चेंज नहीं होता, उसको हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक। अब उसके बाद चूंकि ये सेंटेंस ऑर्डर वाला है तो सेट टू की जगह सेकंड चेंज हमने ऑर्डर लगा दिया। देखिए सेकंड चेंज रिपोर्टिंग वर्ब का है, रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर वाले में ऑर्डर लगेगा, लिख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमने लिखा हिज सर्वेंट, फाइन। थर्ड चेंज है कि इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करें और कंजक्शन लगाए टू लगना है। इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव किया, यहां पे हमने लगा दिया टू। आप सब जानते हैं टू के बाद फॉर्म चेंज नहीं होती, फर्स्ट फॉर्म लगती है। पॉलिश फर्स्ट फॉर्म है तो ये यहां आ जाएगी, लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, ये पी कैपिटल है, इसको स्मॉल कर देना है, ठीक है। ये पॉलिश का पी स्मॉल हो जाएगा। अब माय है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। ये पोजेसिव है, इसका पोजेसिव यहां आएगा, इसका पोजेसिव ही का होता है हिज, यहां आ जाएगा पॉलिश हिज शूज। ये आपका आंसर है, इन्वर्टेड कॉमास नहीं लिखने, ठीक। सेकेंड को देखिएगा, सब्जेक्ट हमने एज इट इज लिखा ही, फाइन। अब सेकेंड है आपका एडवाइस वाला, तो इसकी जगह पे आपने लिख दिया एडवाइस्ड। यहां पर मैं बताता चलूं कि एडवाइस सी वाला नहीं लिख देना, वो नाउन होता है, वर्ब को वर्ब रिप्लेस करता है, नाउन नहीं, सी वाला नहीं, एस वाला। ऑब्जेक्ट लिखा हिज सर्वेंट, सॉरी हिज सन, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव किया, टू लिख दिया, टू के बाद गेट जी स्मॉल हो गया, टू गेट अप अर्ली एज इट इज आ गया, एंड गो भी एज इट इज आ गया, गो फॉर अ वॉक आपका बाकी सेंटेंस एज इट इज आ गया, क्योंकि प्रोनाउन कोई इसमें है नहीं जो चेंज करें। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी थर्ड वाला, सब्जेक्ट आपने एज इट इज लिख दिया शी। अब ये प्लीज है तो रिक्वेस्ट वाला है, तो यहां पर हम लिखेंगे रिक्वेस्टेड, क्योंकि आपका सेंटेंस पास्ट में है। रिक्वेस्टेड किसको की, हर सिस्टर। इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव किया, टू लगा दिया, पी ये प्लीज खत्म हो जाएगा, क्योंकि टू के बाद आपने ज्वाइन करना वर्ब को, कोई और वर्ड अगर दरमियान में आता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लिसन, टू लिसन टू मी, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, इधर इसके सब्जेक्ट के साथ चेंज करें, इसका शी का ऑब्जेक्ट हर होता है, वो यहां पर लिखते हैं, तो लिसन टू हर, ठीक। लास्ट वाला आपका, इसका सब्जेक्ट आप एज इट इज लिखें ही, सेट टू, अब ये मना करने वाला है तो यहां पर आएगा फॉरबेड, सेकेंड फॉर्म आई टेल यू फॉरबेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हिज सन, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव किया, टू, टू के बाद वर्ब को ज्वाइन किया, गो आउट विदाउट माय, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, ये पोजेसिव है, इसका ही का पोजेसिव इज होता है, इज परमिशन। तो इस तरह इंपेरेटिव आपके सॉल्व हो गए हैं, ये आपके इंपेरेटिव हैं, कोई इसमें से प्रॉब्लम हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। अब यहां पर मैं लास्ट वाले में एक चीज बताता चलूं, बच्चे क्या करते हैं यूजुअली, वो डोंट या नॉट इधर लिख देते हैं। देखिए इस डोंट की रिप्लेसमेंट में यहां पर फॉरबिड आ गया, फॉरबिड का मतलब ही मना करना है, उसने मना किया अपने बेटे को बाहर जाने से, उसकी इजाजत के बगैर बाहर जाने से। अगर आप यहां नॉट या डोंट लिखते हैं तो वो यूं हो जाएगा कि उसके अपने बेटे को मना किया बाहर ना जाने से, कि बाहर जाना क्यों नहीं, तो वो डिफरेंट हो जाएगा, सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो ये थे इंपेरेटिव और उसकी फोर टाइप्स जो आपके सामने मैंने करवा दी हैं। इसके बाद इंशाल्लाह यूज ऑफ लेट, एक्सक्लेमेटरी, यूनिवर्सल ट्रूथ और मिसलिनियस भी जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे। हमारे साथ कनेक्ट रहें और अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।